हेलो दोस्तों, आइए आपको दिखाता हूँ व्हील अलाइनमेंट कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं और कब करना चाहिए, वो सब ये वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग का जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, लेकिन सिर्फ अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे। अगला वीडियो डालेंगे उसमें आपको बैलेंसिंग का भी बताएंगे। गाड़ी लगा रहा हूँ, लिफ्ट में चला रहा हूँ, फिर शुरू करते हैं। होल्डर लगाते हैं, होल्डर लगाया जाता है चारों में, किसी किसी दो ही में लगाया जाता है। अभी सब मशीन आ रहा है, चारों में लगाते हैं ताकि फोर व्हील ड्राइव उसमें दिक्कत नहीं हो, करने के लिए रीडिंग आ जाता है एक ही बार चारों आगे पीछे का। और इसमें चारों व्हील हॉर्नर लग रहा है। और अब ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें सब कुछ बताया जाएगा। गाड़ी लगाते हैं, मतलब डाटा लगा रहे हैं, इसमें गाड़ी नाम वगैरह, किलोमीटर, गाड़ी नंबर, कस्टमर नेम, ये सब लिखते हैं, डिटेल पूरा। अलाइनमेंट इसलिए करते हैं टायर अंदर बाहर से चाट रहा हो या फिर दाएं बाएं भागता हो गाड़ी, इसके लिए अलाइनमेंट किया जाता है। और 5,000-6,000 किलोमीटर में अलाइनमेंट करना चाहिए। ज़रूरी है अलाइनमेंट करना 5,000-6,000 किलोमीटर में। अभी कस्टमर आगे पीछे कर रहे हैं इसको, गाड़ी एक जगह परफेक्ट जगह में लगने के लिए ऐसा किया जाता है। अलाइनमेंट करने से गाड़ी चलाने में अच्छा लगता है और फिर स्टीयरिंग सीधा हो जाता है, लेफ्ट हैंड जा रहा है, टायर नहीं घिसता है, सस्पेंशन का जानकारी मिल जाता है, गाड़ी का लाइफ बढ़ती है और बहुत कुछ ऐसा है। अलाइनमेंट से बहुत फ़ायदे हैं, अलाइनमेंट करने चाहिए। कैस्टर ले रहे स्ट्रिंग लेफ्ट राइट, रीडिंग आया नहीं अभी तक, इसको लेने के बाद रीडिंग आएगा ना उठा आपको बता के। और सेटिंग कैसे करते हैं वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में, देखिएगा लास्ट तक। वो वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर कोई कुछ जानकारी के लिए अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास ला सकूँ। और स्ट्रिंग लॉक कर दिए इसको हमने, ताकि घर में स्ट्रिंग ना हो। आउट है लेफ्ट साइड में, आउट है प्लस में, इसको मिलाना है, छः में आउट है, ज़्यादा आउट नहीं है गाड़ी, टोइंग है, स्ट्रिंग रॉड होता है इसको, टो बोलते हैं। नट को खोल के एडजस्ट करना होता है, सिंपल काम है, समझना है बस, बाकी काम आसान है। नट को खोल के एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी सब मशीन में बताता है कहाँ क्या रखना है क्या नहीं। देखिए वीडियो ठीक हो गया, ग्रीन आ गया,
परफेक्ट हो गया अलाइनमेंट। इसको टाइट कर रहे हैं, मिल चुका है अलाइनमेंट। ये देखिए, ये देखिए 15 15 टोटल 30 रखा हूँ। और इसका पेन निकालना हमको, पेन निकल रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा देखने में, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। पेन निकल गया, सब ठीक है। बंद कर गए उस टाइम, लाइट नहीं था इसके लिए लोग छोड़ दिया होगा, लाइट चला गया था। हाँ कर दे, काट देंगे ना, वैसे काट के सोते हैं, ऐसे थोड़ा लग के जाते।